हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रैवली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में मिली नया पर ना मुर्गियों के लिए चारा बना रही थी। एक हाथ से बेचारे से काम हो नहीं रहा था और वो बोले कि कैसी किस्मत है, इसी टाइम पर मैं हैंडीकैप्ड हूँ और इसी टाइम पर मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझसे तो हो भी नहीं रहा। इस टाइम पर यहाँ पर इन आता है और उसे बोलता है कि चलो मैं हेल्प कर लेता हूँ तुम्हारी। और उसके बाद ना वो काटने लगता है। यहाँ पर ना मिलिन के में से ऐसे फेस पे बाल आ रहे थे। एक हाथ से वो करने की ट्राई कर रही थी ठीक, लेकिन हो नहीं रहा था। यहाँ पर वो इन हंसते हुए देखता है, बोलता है ना तुम जितनी स्मार्ट दिखती हो इतनी हो नहीं, एक्चुअल में ना तुम बहुत क्लॉम्जी टाइप की हो और अभी इस पोजिशन में तो बहुत ख़राब दिख रही हो। उसके पीछे वो पड़ जाती है और यहाँ पर तो ताविद और ऐसा उसे देख रहे थे। और यहाँ पर मिलिन बोलती कि मैं कोई हैंडीकैप नहीं हूँ और क्लॉम्जी नहीं हूँ, और उसकी गले पकड़े हुए थी। ऐसा बोलती कि तुम्हारी बस कुछ ज़्यादा मेरे बस के पीछे पड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर ताविद बोलता कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा बस मेरे बस के पीछे पड़ा हुआ है। इधर मिलिन उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है कि और वो उसे माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि चलो मेरी हेल्प करो, और वो नाइफ सामने पकड़ ले। उससे पहले ताबित आता है, बोलता है कि चलिए मैं हेल्प कर लेता हूँ आपकी। तो यहाँ पर मिलिन जब ताबित को देखती है तो वो बोलती है इनको कि मेरा राइट हैंड आ गया, अब तुम जाओ। यहाँ पर ना ताबित बोलता है कि तुम्हारा राइट हैंड कहीं तुम्हें ना मार दे, ये तुम याद कर लेना, मतलब ये तुम्हें धोखा ना दे, ऐसा वो बोल रहा था। उसके बाद वहाँ से चला गया था। यहाँ पर मिलिन बोलती कि क्या तुम मुझे धोखा दोगे, और ऐसे पंच दिखा रही थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता है आप मुझे मारने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको धोखा क्यों दूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है लिसा, और लिसा उसके पीछे गई थी विन के पीछे, और वो बोलती कि आप भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए थे। विन बोलता कि क्या बोलना चाहती हो, और यहाँ पर वो बोलती कि वो हमारी कॉम्पिटिटर है और आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि लिसा इट्स ओके, ए विटामिन लेके ऐसे चिकेंस को फिट करने का ना प्लान मिलिन का ही था, और उसके लिए मैं उसे एडमायर कर रहा हूँ। इट्स ओके ना, अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है, किसी का अच्छा सोचता है, तो उसे एडमायर करने में कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें सीखना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था। एंड देन यहाँ पर ऑब्वियसली लिसा को एक चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था कि मिलिन और विन की नज़दीकियाँ इस तरह से बढ़ रही है, और वो बहाना अलग कर रही थी कि तुम उसका सपोर्ट नहीं ले सकते, वो अलग बात है। और यहाँ पर उसे जैसे तैसे समझा लेता है। एंड देन दिखाया जाता है उयाना को, उयाना ने भी देखा हुआ था विन और मिलिन की नज़दीकियाँ। एंड देन यहाँ पर उसे थोड़ी अजीब लग रही थी, जलन भी हो रही थी ऑब्वियसली। और यहाँ पर टो आके बोलता है कि तुम क्या उसे भूल पाई हो, तो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पर टो बोलता है कि तुमने जिस बात की वजह से उनसे ब्रेकअप किया है ना, वो तो हमें पता है ना, तुम नहीं चाहती थी उसे छोड़ना, फिर भी तुम्हें उस टाइम उसे ब्रेकअप देना पड़ा था, तो क्या तुम मूव ऑन कर पाई हो। वो बोलती कि तुम क्या बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है फ़ोन आ रहा था, दोनों को ही तो एक दूसरे को फ़ोन ऐसे कान में लगा देते हैं, और ताबित तो लाइक व्हाट। और यहाँ पर मिलिन को कॉल आया था उसके बायपैड का, और वो यहाँ पर आया हुआ था। और फ़ोन यहाँ पर रखने के बाद वो मिलिन पूछती है ताविद से कि पापा ने फ़ोन रिसीव किया, उनको पता है मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे चोट लगा है। तो वो बोलते कि आपके पापा का फ़ोन लगा नहीं, उनका कुछ मीटिंग है और उसके बाद उन्हें कहीं और जाना है, ऐसा वो बोलता है। और मिलिन को बुरा लगता है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी ना उसके पापा काश यहाँ पर आए अपनी बेटी को देखने के लिए। एंड देन दिखाया जाता है ओ माई गॉड, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे भी आ गए थे। और यहाँ पर ना वो तो अपने भाई को एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो मतलब देखते ही रह गई थी और सरप्राइज बोल के आ गए थे। वो बोलते आप यहाँ पर क्या कर रहे हो पापा, तो यहाँ पर वो बोलते कि मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ, तुम ठीक हो ना, ऐसे आते। और उसके बाद ना उसे इधर उधर देखने लगती और बोलते कि हाथ में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, और हाँ मतलब यहीं पर तो ठीक है ना, तुम्हें बस शहर जाने के बाद ना प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, और बहुत मतलब केयर दिखा रहे थे। ये सब देखने के बाद ना मिलिन बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप आएंगे। वो बोलते कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, और वो बोलते आपका तो मीटिंग था ना, उसने पापा बोलते मैंने कैंसिल कर दिया, और मेरे बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होगा, हम दोनों लड़ते वो अलग बात है, लेकिन मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगा। एंड देन वो उसे गले लगा लेती है। ये सब ना वो याना देख रही थी, स्माइल कर रही थी। ताबित आके बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। वो याना बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मिलिन से कभी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, मैं बस ना उसकी अच्छाई चाहती हूँ। यहाँ पर ताबित बोलता है कि हाँ जब मुझे भी पता चला कि मिस्टर फी फार्म में आ चुके हैं, तो मैं तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा था मैं कोई डीप हो गया हूँ, अंधा ऐसे कान नहीं सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा था बोल रहा था। एंड देन यहाँ पर वो ऐसे बोलते कि बस ना ये बात है कि कोई भी पिता
कोई भी माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं करती, बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे लगता है ऐसा वो बोल देते हैं। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर फी, यहाँ पर विन से मिलते हैं। विन और इन दोनों का जो इंट्रैक्शन था बड़ा कूल था। यहाँ पर बोलते कि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगे। यहाँ पर विन बोलते कि मुझे भी लगा नहीं था आप यहाँ पर आने वाले हैं। इन दोनों में बात हो रही थी और बात बात में क्या होता है ना, और मिस्टर यहाँ पर विन बोलता है कि आपने जो मेरे पापा के साथ किया है ना उसका तो मैं सूद समेत आपको लौटाऊंगा। तो यहाँ पर वो बोलते कि ऐसे विन हमारा ऐसा कुछ था नहीं, जो भी था तुम्हारे पापा के साथ था, लेकिन तुम्हारी शक्ल से लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ बहुत बड़ा चीज़ अपने पास रख लिया है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ऐसा बोले थे। और उसके बाद विन बोलता है कि हाँ आपने ना मेरी कोई चीज़ ले लिया है उयाना, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पर उयाना जैसे तैसे आ जाती है और उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि अरे ये तो मजाक कर रहा है, हम दोनों काम कर रहे हैं ना अभी इसी बात की वजह से। और जैसे तैसे उयाना सिचुएशन को संभाल लेती है, वरना आज तो ये तो ना पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला ही था उयाना और अपने रिश्ते के बारे में। और जैसे तैसे यहाँ पर सिचुएशन संभल जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है मिस्टर बुंगलिंग को, वो याद कर रहे थे किस तरह से ये बच्चे अभी उनके लिए काम कर रहे हैं, सारे विलेजर्स को ऐसे चिकन्स को मेडिसिन देने के लिए मेडिसिन ऐसे भेज रहे हैं। और यहाँ पर सीन बोलता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बेस्ट डील में हेल्प करूँगा। एंड देन यहाँ पर शाम को ना एक न्यूज़ आने वाली थी और अब चलते हैं एक और। ग्रैंड मॉम ने ना अपने लोगों को भेजा था यहाँ पर, वो जानना चाहती थी कि मिलिंग को हर्ट करने वाला कौन है। एडिशनल पता है उनको क्या पता चलता है कि विन और उयाना डेट कर रहे थे एक टाइम पे। ये सुनने के बाद वो तो शॉक थी, सीरियसली इस ड्रामे के हर कैरेक्टर क्रेजी है। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है ना, सब लोग अब शाम को सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट करने का रीज़न अब सब ने इतनी हेल्प की ना, तो अंकल फिर से रिकंसिडर करने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद यहाँ पर ना नीलिन ने इतना भी लिया था लाइक नेक्स्ट लेवल। और विन के पास आके बोल दे अब हमारा ना पीस एग्रीमेंट खत्म हुआ, अब इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटर है, हमने अपना मिशन कम्प्लीट किया अंकल की हेल्प की। उसके बाद वहीं पर उसके गोदी में ऐसे सो गई थी, बहुत पी लिया था मैडम ने। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर लिसा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो वहाँ से चली जाती है। अब लिसा गई है तो ऑब्वियसली तावी तो पीछे पीछे आएगा और उसे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे आज तो बता ही दो, क्योंकि मैंने देखा हुआ है तुम्हें हर टाइम उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। तो अभी वो पूछती कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्यों जानना है मेरे बारे में। तो वो बोलती कि क्योंकि मुझे ना तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है, मुझे तुम्हारे शक्ल पे दिख रहा है तुम्हें मिलिन से कुछ तो प्रॉब्लम है। वो बोलती कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वो बोलता है मैंने तुम्हारी हिस्ट्री चेक की और तुम और मिलिन एक बेस्ट फ्रेंड थे एक दूसरे की जान की तरह, और अब सडनली तुम उसके कॉम्पिटिटर के कंपनी में आके काम कर रहे तो कुछ तो बात होगी ना। यहाँ पर वो बोलती कि ये बात अगर इनको पता चलेगा ना अच्छा नहीं होगा। वो बोलता है तुम्हें डर लग रहा है विन को ऐसा ना लगे कि तुम स्पाई हो उसकी कंपनी में आई हुई। लिसा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात ना अगर तुम्हें मेरी फिक्र है ना तो प्लीज़ ये बात मत पूछना, और कभी भी ना इस चीज़ के लिए मुझे ऐसे ये एहसास मत दिलाना कि मैं उसकी दोस्त थी, क्योंकि मैं वो चीज़ भूलना चाहती हूँ हमेशा से, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर लिसा को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताने वाली है नहीं, तावी तो उसे पूछने की ट्राई करता है लेकिन लिसा बिल्कुल नहीं बताती। शायद उसके दिल में बहुत कुछ है अभी मिलिन को लेकर, जो हमें बाद में पता चलेगा। सो इतना था इस वाले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइज हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस टू मी, थैंक यू सो मच।